नमस्कार, मीडिया 16 देखना शुरू कर चुके हैं आप और आपके साथ मैं हूं संध्या सेमवाल। आज हम कुछ ऐसे लोगों से आपसे रूबरू करवाएंगे जिनसे आपको प्रेरणा तो मिलेगी ही, साथ ही जो लोग जिंदगी से हार मान चुके हैं, जो सोचते हैं जिंदगी में आखिर रखा क्या है, उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक साबित होगी। बूट पॉलिश करता हुआ यह व्यक्ति मेहनत को ही अपना भगवान मानता है। बेटे ने शादी के बाद वास्ता ही खत्म कर दिया, लेकिन अपनी मेहनत के बलबूते पर अपना और अपनी पत्नी का गुजारा कर रहा है। अंकल, कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? मुझे कम से कम नहीं तो 40 साल तो हो गया। 40 साल? हाँ। तो एक दिन में कितना कमा लेते हैं आप? बेटा, तो काम के ऊपर बात है, 300 भी कमा सकते हैं, 350 भी कमा सकते हैं। घर में कौन कौन है आपके? घर में तो हमारे मियाँ बीवी हम हैं, बच्चे हैं। बच्चे कमाते हैं या छोटे हैं अभी? कमाते हैं। हाँ, तो बच्चे आपको मना नहीं करते कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हम कमा लेंगे? कोई साथी नहीं है हमारा। बच्चे साथ नहीं? नहीं, हमारे साथ कोई नहीं है। तो बच्चों ने शादी करने के बाद छोड़ गए या पहले छोड़ गए? सब अपना अपना बीवी बच्चे लेके अलग अलग हैं। जो लोग भीख मांगते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप, क्योंकि आप मेहनत करके कमा रहे हैं? हाँ जी, मेहनत करके कमाना चाहिए। देखो, मेहनत करने में बहुत फ़ायदा है। जो चीज़ मेहनत की होती है तो मेहनत की होती है, और जो भाई हराम का है तो फिर वो तो हराम की बात है, कुछ हो रहे हैं। मेहनत की रोटी खा के वाकई सुकून की नींद मिलती है। अभी बूट पॉलिश करने वाले जगदीश कुमार से हमने ये जाना कि चाहे कोई भी आफत क्यों ना आ जाए, चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, परिवार वाले साथ ना दें, लेकिन मेहनत एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा आपका साथ देगी। एक हाथ से ये व्यक्ति गाड़ी नहीं बल्कि अपने परिवार की जिम्मेदारी खींच रहा है। मेहनत को ही खुदा की रहमत मानने वाला ये व्यक्ति अपनी दो बेटियों की शादी करवा चुका है। अब जरा सोचें कि क्या नहीं है हमारे पास। अक्सर दो हाथ होते हुए भी हम भगवान या किस्मत को कोसते हैं कि काश अगर हमारे दो हाथ होते तो शायद हम कुछ करते, लेकिन कहते हैं ना, अगर हौसले बुलंद हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। ये मेरा हाथ चल गया, मजबूत उससे पहले भी कर रहा था, मजदूरी कर रहा था, हम मजदूरी कर रहा था, छोटे छोटे बच्चों को मेरे दिखने भर आगे पीछे कोई है नहीं। अब मैं से अपने यही पीछे गुजर कर चला, अपने बच्चों को छोटे छोटे बच्चों को पाल करती हूँ। घर पे कोई नहीं है, कमाने वाला घर पे कोई नहीं है, वाला छोटा छोटा है बच्चा, तो क्या खाऊंगा अभी? अभी मैं बुढ़िया अपना काम करता हूँ, तो बच्चों की देखभाल करता हूँ। बच्चे स्कूल जाते हैं या वो भी मजदूरी करते हैं? भगवान की दुआ से पढ़ा दिया हूँ सबको, बड़े हाँ सब बड़ा होगा सब, ना टेंशन मिला नहीं कुछ, बच्चा सब पढ़ लिया और खुद बस यही टेंशन है। तरफ एक लड़की के शादी के चक्कर में रहा है बस, उसी के चक्कर से मैं परेशानी हूँ। मैं बच्चों को पढ़ा लिया, वो नौकरी नहीं करते? पढ़ा दिया हम, नौकरी नहीं है, एक लड़का छोटा सा है बस, नौकरी कर रहा है चाय पत्ती दुकान में, 6,000-6,000 मिलता तनख्वाह, और उसी में बच्चों अपना पूजा चला लेते हैं, अब कुछ 200-300 रुपये का दिया भी जाता है बस, वही बहुत मेहनत करता हूँ मैं। कितना कमा लेते हैं एक दिन में? तो जितने भगवान दे तो उसने कमा, मेहनत ज़्यादा है हमारे काम में, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत। हम किसी को बदौलत पर नहीं चलता हूँ, बच्चे से नहीं चलता मैं किसी, मैं प्रभु जी से मांगा हूँ बच्चे, भगवान जो दिया मैं उसी सेवा कर रहा हूँ, मैं हम ये दंड है सेवा कर रहा हूँ बच्चे का, आगे मुझे परेशानी ना हो, ये मेरे प्रभु जी की दया है। एक हाथ नहीं है आपका, कोई परेशानी नहीं होती काम कर? अब मेरे पास आने देख बुढ़िया है, वही सेवा कर सो रहा, उसी की जाने लाने जा रहा हूँ भैया के पास, हाँ वही मेरा सारी सेवा करता भैया। जब मेहनत नहीं करूँ तो भगवान कैसे सुनेगा? कुछ नहीं देगा मेहनत का, हम बैठे रह जाएंगे तो कोई बातें नहीं करेगा, कोई पूछेगा? कोई धरती पर मेहनत करने वाला बहुत खोजता है, आप मेहनत के खा रहे हो, किसी को हाथ में पिसा के खा रहे हैं, अपना खून पसीना बहा के रोटी खा रहा हूँ। तो मेहनत का जीता जागता सबूत इससे बड़ा और हमें नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ हो सकता है। उन लोगों के लिए सीख है जो कहते हैं कि नहीं हमारा किस्मत देगा और घर पे बैठ जाते हैं, लेकिन इनसे कोई कुछ सीखे जिन्होंने मेहनत को सहारा बनाकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपने बच्चों का भविष्य सुधार रहे हैं।
हाथ में किताब लिए हुए और कपकपाते शरीर के साथ मंदिर के सामने खड़ा यह व्यक्ति आपको बहुत कुछ सिखा जाएगा। तीन बेटियों की शादी करवा देने के बाद खुद लिखा और खुद की लिखी हुई किताबें बेचकर अपने और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। कितने टाइम से अंकल ये आप ये काम कर रहे हो, जो किताबें हैं कितने टाइम से आप ये बेच रहे हो? काफ़ी टाइम हो गया, अभी तो पहले तो मैं ऐसे ही था, मैं अपने मन से बना के कहानी लिखी है, फिर टाइप करवाई है, फिर छपवाई है, तब बेच रहा हूँ। तो कितनी आपकी आमदनी हो जाती है दिन भर में? मैं खाना खा लेता हूँ, बस दो तीन किताबें बिक जाती हैं। घर में कौन कौन है आपके? घर में मेरी मिसेस हैं, मेरी तीन लड़कियां हैं, तीनों की शादी अभी कर दी मैंने। और ये किताबें यहीं पे बेचते हो या कहीं और भी बेचते हो आप? यहीं पर ही बेचता हूँ। तो यहाँ पे लोग खरीदते हैं? हाँ खरीदते हैं। तो शुरू से ही आप किताबें बेचने का काम कर रहे हैं या कुछ और भी है? भाई यही काम कर रहा हूँ मैं तो। क्या इतनी आमदनी हो जाती है कि आप अपने परिवार को पढ़ा सकें, बेटियों की शादी कर सकें? बेटियों की शादी तो अभी कर रही कुछ दिन हुए, और मेरे मिसेज हैं, भाई ये खाना बना के खा लेता हूँ मैं। बेटियाँ सपोर्ट नहीं करती? ना वो अलग है, शादीशुदा हैं। शादी के बाद कभी घर तो आती होंगी, माता पिता का हाल पूछती हैं? मैं उनको खाना खिला देता हूँ, बैठने को कहता हूँ, रहने में कोई ऐसी बात नहीं। तो किताबें आपने खुद ही लिखी हैं, खुद ही टाइप करवाई हैं? हाँ मैंने खुद ही अपने मन से बना के कहानी लिखी है और खुद ही टाइप करवाई है, खुद ही छपवाई है, अब बेच रहा हूँ मैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि इंसान ने कड़ी मेहनत के दम पर ही असंभव को संभव कर दिखाया है। सफलता हासिल करने की इच्छा सभी की होती है, लेकिन इसको हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और बहुत कम लोग इसके लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग कड़ी मेहनत की राह से गुजरना ही नहीं चाहते। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त ज़रूर बदलता है। अपनी मेहनत से रोजी रोटी कमाने वाले इन लोगों से आज वाकई बहुत कुछ सीखने को मिला। इनकी मेहनत देखकर एक शायरी याद आती है कि पानी से नहाने वाले लोग तो सिर्फ लिबास बदल सकते हैं, लेकिन पसीने से नहाने वाले लोग इतिहास बदल सकते हैं। मीडिया 16 के साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और इसके साथ ही दबाएं बेल आइकन। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट www.media16.in पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज मीडिया 16 को लाइक करें और कमेंट्स द्वारा दें अपनी राय, क्योंकि आपकी राय ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।